वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज बार्कस में और यहाँ पर बहुत ही प्यारा कलेक्शन है, इसमें देसी भी है और दूसरे सोनाली वगैरह मुर्गियाँ भी है। सभी डिटेल देखेंगे और सबसे पहले मैं बतला दूँ आप लोगों को सोने का अंडा। तो चलिए, इस्माइल भाई यहाँ के ओनर हैं। और एक चीज़ देखिए, मैं इस वजह से बतला रहा हूँ, नॉर्मली जो फार्म के सादे मुर्गियाँ रहते वो अंडे नहीं देते। अब ये देखिए प्रूफ, अंडों यहाँ पर दे रहे हैं भी और मुर्गी खुद बैठे भी है, वरना किसी और के अंडे रहे तो ऐसे मुर्गियाँ बैठती नहीं, खुड़क नहीं होते, साइजेस अच्छे हैं इनके। यहाँ के ओनर से बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, फिर से इस्माइल भाई बहुत थके हुए दिख रहे हैं आप। भूसा लेकर आए, ठीक है। अभी ये जो मुर्गियाँ हैं इस्माइल भाई, कौन सी नस्ल है इसमें? कंट्री चिकन भी है और सोनाली भी है, ठीक है। क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में? देसी से भी बेस्ट सोनाली है, इसमें कम दिन खुड़क बैठती है, ज्यादा दिन अंडे देती है। अच्छा, अंडे ज्यादा देती है और कम खुड़क रहती है, 100% भी होती है। होती 100%। और अभी इसमें से कुछ फरार भी हो गए थे आपके पास, यानी सेकंड फ्लोर पे चले गए। नॉर्मली फार्म की मुर्गियाँ ऐसे उड़ते नहीं ज्यादा, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप देखिए इनको, यानी कोई भी बहुत ज्यादा मोटे वगैरह नहीं है और ये सारे एडल्ट है, अंडों पे चालू है, एगलेस हो रहे हैं इनके। देखिए जाके बैठ गई वहां पर, जो मैं बतलाया था अभी आप लोगों को। और बीच में भी है अंडे, ये अंडा फूट जाएगा। देखिए यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी जो खुड़क हो रहे हैं वो जा रहे हैं। देखिए तो क्या एज के है ये? है अकरम भाई 10 महीने के। 10 महीने के, कितने महीनों में अंडे चालू करते हैं? 5.5-6 महीने। 5.5-6 महीने में सोनाली चालू करती है, 5 महीने 5.5-6 महीने में। अच्छा, और देसी मुर्गी चालू करती 6-6.5 महीने। अच्छा, और क्या प्राइस से ईच वन है? 500 रुपीज ईच वन। 500 ईच वन। क्या वेट के है? 1.5। 1.5 किलो की एक मुर्गी है, 1.5। ये पूरे मुर्गियाँ ही है, इसमें कुछ मुर्गे भी है? पूरे मुर्गियाँ हैं सर। पूरे मुर्गियाँ हैं जी। तो मुर्गे के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? दूल्हा कहीं बाहर से लेना? मुर्गा आ रहा है, यानी दुल्हन तो यहाँ है, दूल्हे का भी इंतजाम कर रहे हैं। मुर्गा भी आ रहा है और छोटे भी आ रहे हैं। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में कितने मुर्गे रखना चाहिए? नॉर्मली 10 मुर्गी में एक मुर्गा काफी है। 1:10 जी। अगर किसी भाई को अगर अंडा बिठाने के लिए होना है तो मुर्गे की जरूरत है जी। सिर्फ अंडा खाने के लिए होना है तो अंडे की मुर्गे की जरूरत नहीं है। क्यों? नॉर्मली मुर्गी अंडा देती है, अगर उसको हैचिंग अंडा बनाना है तो मुर्गे की जरूरत है उसको। अच्छा, यानी उसमें डीएनए अगर होना है तो उसके लिए मुर्गा जरूरी है, वरना नॉर्मली अंडा तो आ जाएगा, जर्दी भी आएंगी, लेकिन उससे बच्चा नहीं बनेगा। अच्छा, पता नहीं, ठीक, सिर्फ ईटिंग एग्स रहेगा। ओके, देखिए काफी सारे यहाँ पर हेल्थी है और ईच वन 500 में है। साइज देखिए आप, ये कोई मतलब नॉर्मल जो अंडे आते वो नहीं है, देसी मुर्गी का अंडा है छोटा वाला। और ईच वन 500 में है, अगर क्वांटिटी में लेंगे तो कुछ नेगोशिएबल रहेगा, कम करेंगे, कम भी हो जाएंगे। अकरम भाई, नेक्स्ट टाइम वीडियो में ये बताऊंगा मैं आपको, देसी अंडा और जो डिकाशन का अंडा जो बताना चाह रहे लोग, वो दोनों में फर्क बताऊंगा इंशाल्लाह। नॉर्मली देखिए काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यानी कई लोग ऐसे भी है जिसको नॉलेज नहीं है, वो कलर देख के अंडा देसी समझ के ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी कॉपी हो रही है, शाइनिंग रहती है उसमें, नहीं रहती शाइनिंग, सिर्फ एक कलर का रहता, ये मल्टी कलर का रहता, देसी मुर्गी का अंडा मल्टी कलर का रहता, एक कलर का अंडा कभी भी नहीं लेना। और ये मेटालिक रहता, मतलब इसे शाइनिंग आ जाती है और वो पूरा रुखा आता जी, रुखा आता बिल्कुल, लाइट ब्राउन पना भी आता, एक जैसे अंडे नहीं रहते, हर मुर्गी का कलर अलग रहता और एक ही मुर्गी के हर अंडे में भी कलर शेड आता, बिल्कुल शेड आता जी। और एक चीज, बार्कस में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बार्कस में डिकाशन का अंडा, लोगों को अगर 8-10 रुपए का अंडा होना है तो वही मिलता, देसी मुर्गी का अंडा 8-10 रुपए में नहीं आता। तो क्या रेट में दे रहे हैं आप? 12-15 रुपए का अंडा रहेगा, 12-15 में मिलेगा, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह, आइए आप लोग आके यहाँ पर देख के लीजिए, और क्वांटिटी अगर लेंगे तो कम भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है जी। वीडियो में अलग रेट, यहाँ अलग रेट, हमेशा 8 दिन बहुत से बहुत, उसके बाद चेंज हो जाता माल, अपने पास माल जल्दी सेल हो जाएगा ना, 8 दिन के अंदर अंदर ही सेल हो जाता। पहले का वीडियो देखकर आके, पहले अलग रेट अलग रेट, तो साइजेस का फर्क रहता बराबर। अभी छोटे भी आने वाले अपने इंशाल्लाह। लास्ट टाइम आप बहुत कम रेट डाले थे, यानी 250-300 में डाले थे, छोटे थे वो, और एडल्ट है बराबर, वो 2 महीने के बाद अंडे पे आते बोले थे, और ये अंडों पे चालू है, चालू वो 700-750 ग्राम्स के आसपास थे। ये 1.5 किलो की मुर्गी है और ये 500 में ईच है। चलिए, जिसका जैसा भी रिक्वायरमेंट हो आप लोग विजिट करके देख के लीजिए यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। बार्कस में कहाँ पर आना पड़ेगा इस्माइल में? बार्कस में अपना स्टॉल, ये बार्कस बस स्टॉप के पास है ना जी, ये गोडाउन अंदर है जी, अंदर गोडाउन, ठीक, ज्यादा होना किसी भाई को तो अंदर आके भी ले सकते, ओके, कम होना है तो वहां से ले सकते, बिल्कुल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।